तो मतलब ये कहने का मतलब ये था कि इसमें ऐसी फैसिलिटी फीचर्स भी दिए हुए हैं कि आप किसी भी रोड किसी भी प्रॉब्लम में हैं गाड़ी के साथ, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हैपन होता है, एयरबैग डिप्लॉयड होते हैं या आप कोई फीचर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आई कॉल का इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसके थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं। बट नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की जो वीडियो है दिस इज ओनली अबाउट एमजी का जो एमआईडी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, उस डिस्प्ले के अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ये जो एमआईडी है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, सो दिस इज द ओनली वे जिसमें आपको आपकी इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि आपके गाड़ी के साथ क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है। और या फिर एमजी आई स्मार्ट के थ्रू भी आप जान सकते हैं, मोबाइल से डिटेल्स में जान सकते हैं कि क्या क्या गाड़ी की एक्टिविटीज चल रही है। सपोज अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं जो अभी आप देख पा रहे हैं, सो दिस इज टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, कौन से टायर में कितना प्रेशर है, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे 38, 32, 37, 33। ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होती है, एक्यूरेसी में थोड़ा सा पॉइंट -1 और प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हार्डली एक्यूरेट आप इसको बोल सकते हैं। अगर आप इसकी हवा भी निकालें तो ये 38 जो दिखा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले कॉलम में 38 दिखा रहा है, ये 38 नहीं 35 के नियर अराउंड होगा, ठीक है, तो ये एक आइडिया आपको लेना होता है। बट यहाँ से अगर मैं चेंज करता हूँ कोई भी ऑप्शन, सपोज मैं यहाँ से दूसरी चीज, यहाँ पे मल्टीमीडिया कनेक्शन इज सेटिंग अप, मतलब यहाँ पे आपकी जो 10.4 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है 10.4 इंचेस का। सो यहाँ पे अगर आपने गाना एप्लीकेशन प्ले किया हुआ, सपोज मैं इसको बैक करता हूँ होम स्क्रीन पे, सो गाना अगर टैप करता हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे कोई भी अगर म्यूजिक चल रहा है तो वो यहाँ पर शो होगा। तो इट मीन्स कि आपकी गाड़ी एज ए सेकेंडरी डिस्प्ले आपको दिखाता है कि आपका म्यूजिक कौन सा कनेक्ट है, कौन सा म्यूजिक इसमें प्ले हो रहा है। दूसरा अगर मैं एक बार इसको टैप करता हूँ, ये आता कैसे है, ये जो ऑप्शन है इससे अप डाउन करेंगे, बट जो हमें अगर स्लाइड लेफ्ट स्लाइड राइट करना है, अगर यहां से आइकन चेंज करना है या मुझे दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो फिर मेरे पास ओनली ये वाला ऑप्शन है, मैं इसको टैप करूंगा एक बार तो वो फोन एक्टिविटीज, किसकी फोन चल रहा है वो यहाँ पे नेम आ जाएगा। यहाँ पे नेविगेशन, सपोज यहाँ पे अगर मैंने नेविगेशन को मैं बैक कर लेता हूं, अगर यहाँ पे मैं नेविगेशन कोई भी लोकेशन मैंने यहाँ पर सेट की हुई है तो यहाँ पर दिखाता है, और यहाँ पर दिखाता किस वे में, सो यहाँ पे आपने कोई भी दिल्ली की लोकेशन अगर ऐड करी, 400 मीटर के बाद आपको लेफ्ट लेना है तो यहाँ पर भी वो 400 मीटर के बाद लेफ्ट या राइट का ऑप्शन आपको देगा। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज की हुई है कि नेविगेशन को भी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बताता है कि लेफ्ट लेना है राइट लेना है, ठीक है। इसके बाद वाइब्रेशन मॉनिटरिंग आ गया, यहाँ पे रेंज हो गई, इसके बाद ट्रिप मीटर्स हो गए, इसके बाद टीपीएमएस, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंट्रोल्स क्या क्या दिए हैं, सपोज अगर मैं स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करूँ, मुझे स्टीयरिंग कंट्रोल में क्या क्या मिल रहा है, तो पहला जो ऑप्शन मिल रहा है मेरे को राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे एसआरसी, इट मीन्स कि ये सोर्स का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको ब्लूटूथ से गाना पे सेलेक्ट करना है या चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू वहां पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, सपोज एक ऑप्शन इसमें आता है वॉइस कमांड का, वॉइस कमांड इट मींस कि अगर आप अपनी गाड़ी को कोई भी ऑपरेशन देना चाहते हैं, आप अपनी गाड़ी का सनरूफ अगर ओपन करना चाहते हैं या विंडो ओपन करना चाहते हैं, तो आप सिंपली गाड़ी को बोलेंगे हेलो एम जी ओपन द सनरूफ, सो इसने गाड़ी का सनरूफ जो है वो ओपन करना शुरू कर दिया है। तो एक ये आपको वॉइस कमांड का फीचर मिलता है, सपोज आप वॉइस कमांड में हेलो एमजी नहीं बोलना चाहते हैं, सो सिंपल इसमें शॉर्टकट दिया हुआ है, आप टैप करेंगे इस आइकन पर, हाय हाउ कैन आई हेल्प, प्लीज क्लोज द सनरूफ, तो देखा आपने कि यहाँ पे ये वॉइस कमांड का भी काम करता है अगर आपको हेलो एमजी नहीं बोलना है। अगर मैं किसी भी सपोज मेरी फोन कॉल एक्टिविटी चल रही है या मैं किसी गाने को सुन, वॉल्यूम अप डाउन का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, अगर मेरे को कोई भी लिस्ट इसमें मैं किसी भी लिस्ट पर हूँ, मेरे को स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करना है, सो ये लिस्ट के लिए दिया हुआ है, सपोज यहाँ कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको अप डाउन करना है मेरे को, तो यहां से मैं अप डाउन कर सकता हूँ। कॉल रिसीव करनी है तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, डिस्कनेक्ट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मेरी टोटल जो इसमें नोटिफिकेशन साउंड है या फिर आप बोल सकते हैं वॉइस है, अगर उसको म्यूट करना है तो फिर मेरे को यहाँ पे टैप करना है, एक बार ये म्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ से मेरा सिस्टम पूरा म्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आता क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पहले यहाँ पे विंडोज आती है सेंटर लॉकिंग, सेम इज जैसे आपकी कोई पुरानी गाड़ी में भी आता होगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आता है मेरा यहाँ पर, सो यहाँ जो है कुछ ज्यादा ही स्विच और ऑप्शन दिए हुए हैं कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये बहुत सारे बटन किस बात के हैं। मेरे को अगर बूट गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गाड़ी का जो टेल गेट है जो बूट गेट को मेरे को ओपन करना है तो मैं इसको सिंपली टैप करूंगा, एक बार टच करूंगा बटन को, स्विच को टैप करूंगा तो पीछे की जो डिग्गी है वो ओपन हो जाएगी। बैठे बैठे अगर बंद करना है मेरे को तो यहाँ से बंद कर सकते हैं।
ये किस लिए है, मतलब बहुत क्वेश्चन ये होता है यार ये वाले जो स्विच दिए हुए किस, कौन सी, क्रूज कंट्रोल की लाइट बंद करने के लिए होते हैं, डिस्प्ले की लाइट बंद करने के लिए होते हैं, बैक लाइट बंद करने, क्या चीज है? अगर मैं सपोज इसको माइनस पे प्रेस करता हूँ तो ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं MID जिसको मैं बोल रहा था मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले MID, ये इसकी डिस्प्ले के लिए होता है। आप इसको, आप इस स्विच के थ्रू अपनी गाड़ी का जो MID है उसकी ब्राइटनेस को अप डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक शॉर्टकट बटन दिया हुआ है, ये आपका हाई बीम लो बीम को, हाई बीम या अपनी जो बीम है उसको, बीम लाइट को सेट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। R स्टैंड फॉर राइट साइड, L स्टैंड फॉर लेफ्ट साइड। सपोज मेरे को R राइट साइड पे मैं क्लिक करता हूँ और ये जॉयस्टिक जो दी हुई है यहाँ पे, मैं इसको टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये मिरर जो है मेरा ये एडजस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली मैं अपने मिरर को एडजस्ट कर सकता हूँ बाय यहाँ स्विच को टैप करते, ठीक है। और जो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, सपोज मेरे को सेम ये मिरर मेरे को ओपन करना है तो मैं यहाँ से इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरा जो मिरर है वो ओपन हो जाएगा। यहीं से मैं इसको टैप करूंगा तो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट की यहाँ पे मेरे को दी हुई है। एंड इसके बाद जो लाइट है नॉर्मल, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लाइट का, आप इसको नॉर्मल LEDs जो है अपनी ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहीं से ऑटो पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी का जो डिपर है वो ऑन कर सकते हैं, इंडिकेटर वगैरह यहीं से आप इसका ऑन कर सकते हैं। दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आता क्या है, ठीक है। सो यहाँ का जो फील था, फीचर्स थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं और फिनिश हो चुके हैं। तो यहाँ जो पी आप देख पा रहे होंगे बीच में पी है, तो इस टाइम पे जो गाड़ी है वो पार्किंग पे है। सो यहाँ से जैसे मैं शिफ्ट करता हूँ उसको पार्किंग से, सपोज अगर मैं जाता हूँ, ब्रेक यूज करेंगे आप राइट, ठीक है, राइट पैर ही यूज करेंगे ब्रेक पर। और जैसे मैं एक बार यहाँ से टैप करता हूँ ब्रेक दबा के पार्किंग से, सपोज मैं शिफ्ट करता हूँ रिवर्स पर, सो यहाँ पे मेरे जो 360 डिग्री कैमरा है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा R जो आ रहा है रिवर्स के लिए, तो यहाँ पे रिवर्स शो होगा। इसके बाद मैं अगर R से न्यू N पे जाता हूँ, R से N पे जाता हूँ, तो रिवर्स मीन्स रिवर्स से मैं न्यूट्रल पे जाता हूँ तो न्यूट्रल शिफ्ट हो गई और यहाँ पे इंडिकेशन मेरे को मिलेगा न्यूट्रल का। इसके बाद सेम एज ड्राइव। सो ड्राइव में आपके दो मोड आपको मिलते हैं, सपोज आप ड्राइव नॉर्मल ऑटोमेटिक पर रखना चाहते हैं या फिर आप रखना चाहते हैं इसको मैनुअल मोड पर, तो आप शिफ्टर के थ्रू प्रेस करेंगे और ड्राइव मोड पे एक बार इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर डी मोड सेलेक्ट हो गया है। तो डी से इट मींस कि मैं अपनी गाड़ी को मैनुअल भी 1 2 3 सपोज यहाँ पे M1 इट मींस ये मैनुअल 1 पर गाड़ी है और यहीं से अगर मैं चेंज करता हूं तो ये M2 यहां पर शो हो जाएगा। तो मैनुअल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी होते हैं, सपोज आप मैनुअल ऑटोमेटिक गाड़ी यूज कर रहे हैं तो इसमें M1 और M2 का क्या मतलब होता है, आप ये मैनुअल ऑप्शंस में दिया क्यों होता है? देखिए जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके करेक्ट कर दीजिएगा। मैनुअल का मतलब ये होता है आप सपोज किसी मडी रूट पर या फिर किसी ऐसी कंजेस्टेड रोड पर फंस चुके हैं जहां पर काफी ज्यादा मड है, काफी ज्यादा स्नो है, या फिर आप किसी कंक्रीट वाली रोड पर है, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे ही आप एक्सेलरेटर पर प्रेस रखते हो और अपना गियर शिफ्ट, क्योंकि इसमें मैनुअल तो है नहीं, गियर शिफ्ट होता नहीं है, आप जैसे ही एक्सेलरेटर पर प्रेस रखते हो और जोर से आप इस पर एक्सेलरेटर प्रेस करते हो तो RPM ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, ठीक है। इसके जो ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड करके दिया हुआ है अलग अलग, और घूमता भी वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब उल्टा घूमता है, कंफ्यूज था। तो मैं बात करूं तो अगर आप RPM हाई करते हैं, मतलब एक्सेलरेटर को आप प्रेस करते हैं तो RPM हाई होता है, ऑब्वियसली बात है, तो गाड़ी ऑटोमेटिक जो होती है वो अपने RPM के अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट कर लेगी। अगर आपको चाहिए होगा जो आपको लो RPM चाहिए क्योंकि टायर फ्रिक्शन आपका मूवमेंट्स बना रहे, गाड़ी स्लिप ना हो, स्किड ना करे, उसके लिए आपको लो RPM चाहिए होगा, हाई RPM नहीं चाहिए होगा, उसके लिए आप अगर आप एक्सेलरेटर कंटिन्यूसली प्रेस करते रहेंगे तो आपका RPM बढ़ेगा, जिस वजह से आपकी गाड़ी के जो टायर है वो रोटेशनल मूवमेंट करेंगी, मतलब वो स्पिन करेंगे, रोटेट होंगे, जिससे आपकी गाड़ी स्लिप होगी। तो इट मींस आपको एक जो आपको जो अगर गाड़ी बाहर निकालनी है वहां से जहां पे फंसी हुई है आपकी गाड़ी, वो नहीं निकल पाएगी, रीजन बीइंग के गाड़ी आपकी गियर शिफ्ट कर रही है और वहां पे वो पकड़ नहीं बना पा रही, इसलिए यहां पे मैनुअल ऑप्शन आपको दिया होता है कि आप फर्स्ट गियर पर शिफ्ट करें या M1 पर रखें और एक्सेलेरेटर प्रेस करें ताकि वो लो RPM आपको मिले और गाड़ी आप बाहर निकाल लें। बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कभी ऐसी जगह गाड़ी फंस जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलता क्या है, देखिए यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। सपोज मेरी गाड़ी अगर 30 से ऊपर चल रही है और मैं किसी एक लंबे हाईवे पर चल रहा हूँ जहां पे मैं चाहता हूँ एक्सेलेटर पे ध्यान न रखूं मैं, और मैं बस नॉर्मली अपनी पोजीशन को पकड़कर, हैंडल को पकड़कर, और मैं अपना मॉडल गो थ्रू रखूं या चलाता रहूं, तो उसके लिए मेरे को कंपनी ने एक एडिशनल फीचर दिया हुआ है, काफी फीचर है गाड़ी के अंदर वैसे, तो क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सो यहाँ पे आप जैसे क्रूज कंट्रोल को टैप करते हैं एक बार, और टैप करने के बाद कंडीशन ये है कि आपकी गाड़ी
30 की स्पीड से ऊपर होनी चाहिए। आप एक बार जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, टैप करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल ऑन आ जाएगा। बट लेकिन ये अभी क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपको सेट करना होता है। तो आपको जो एक नीचे सेट का बटन दिया हुआ है, इसको एक बार डाउन करना होता है। तो ये आपकी 30 से ऊपर अगर स्पीड है तो वहां पे लॉक हो जाती है स्पीड, आपकी सेम 30 की स्पीड पे भी रहती है। सपोज अब आपको 30 से 40 50 60 की स्पीड पर लेके जाना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे RES रीसेट और सेट, ठीक है, दो सेट जो आपको यहाँ पे प्लस और माइनस के दो ऑप्शन मिल रहे हैं, पहले तो आपने सेट किया था उसको डाउन करके, बस आपको प्लस पे जाना है, आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी 5 5 5 करके। सपोज अगर 30 है तो 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 120 तक आप स्पीड पर ले जा सकते हैं, मतलब जो भी आपकी टॉप स्पीड है उस तक आप जा सकते हैं। अब इसे डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे ही आपने किसी भी कोई ट्रैफिक कंडीशन हुई, आपने फौरन ब्रेक पर प्रेस किया, तो गाड़ी का क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। जैसे ही आपने एक्सेलेरेटर दिया, एक्सेलेरेटर पे आप प्रेस करेंगे, गाड़ी आगे जाएगी। अब आपको करना है क्या कि एक बार आपको जो रीसेट और सेट की स्पीड दी हुई है, इसको प्लस और माइनस कर लेंगे आप, आपका क्रूज कंट्रोल जहां था वो उसी कंडीशन उसी एग्जैक्ट स्पीड पर पहुंच जाएगा, 30 से ऊपर 40 50 60 तक पहुंच जाएगा। मतलब आपको फिर दोबारा से ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक लिया आपने, सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, आपने ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद आपने एक्सेलेटर दिया सेम स्पीड, अगर 40 या 50 की स्पीड पर पहुंच गई है गाड़ी, आपको करना सिर्फ ये है रीसेट और सेट को ऑप्शन प्लस माइनस करना है, अगर स्पीड अप करनी है या माइनस करनी है आपको इनको ही टैप करना है, आपकी गाड़ी सेम स्पीड पर चलनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको ये क्रूज कंट्रोल एक्टिवेशन वाला प्रोसेस नहीं करना है। ये ट्रिप मीटर्स के लिए आपको बताई दिया था कि आप अगर यहां से अपनी जो MID है उसकी अगर फीचर्स को चेंज करना चाहते हैं, आप डिस्प्ले को यहाँ पे जो मोड्स हैं सारे के सारे चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे सेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना समरीज वगैरह चेक कर सकते हैं। तो ये टोटल स्टीयरिंग कंट्रोल की जो भी फीचर्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं। दूसरा इसका जो फीचर्स है लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलता क्या है, सो लेफ्ट हैंड सेम पुरानी गाड़ी के अंदर जो वाइपर का ऑप्शन आपको मिल रहा था सेम वही चीज इसके अंदर भी है। आपको वाइपर अगर ऑन करना है, उसको टैप करना है ऊपर की तरफ के लिए, आपका स्टार्ट हो जाएगा वाइपर के साथ, ठीक है। इसके बाद आपको अगर पीछे वाला सपोज आपको अब कंफ्यूजन ही होता है यार पीछे वाला मैं कैसे चलाऊं, तो पीछे वाले वाइपर को चलाने के लिए क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो रोटेट करना है इसको पीछे की तरफ, जो आइकन दिख रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे जो पीछे का वाइपर है वो स्टार्ट हो चुका है। पीछे का वाइपर स्टार्ट हो तो गया है, लेकिन एक चीज ये है कि यहां से अगर मेरे को इसमें वाटर फ्लो करना है, इसके लिए क्या करना होगा, तो सेम जो यहां ऑप्शन मिल रहा है आपको, इसको एक बार जस्ट नीचे की तरफ पकड़ के रखना है, होल्ड करना है, तो क्या होगा यहाँ पे थोड़ी सी सेकंड्स के बाद, लगभग 30-40 सेकंड के बाद, लगभग 15 सेकंड के बाद, 10 से 15 सेकंड के बाद यहाँ पे पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो मतलब आपका जो वाइपर है पीछे वाला ये भी काम करने लगेगा। अगर आपको बंद करना है तो इसके लिए फिर आपको यहीं से इसको ऑफ पे जाना होगा, तो पीछे वाला जो वाइपर है वो बंद हो जाएगा। तो ये फीचर इसके यहाँ पर थे। MG ने काफी अच्छी पोजिशनिंग रखी है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच की, कि आप यहां से टैप करेंगे ताकि ये बच्चे या किसी के हाथ में इजिली ना लग पाए। आपको ब्रेक प्रेस करना है, इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच करना है, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट और बंद दोनों हो जाएगी। आइडियली स्टार्ट करनी है, नॉर्मल इंजन स्टार्ट नहीं करना, नॉर्मल स्क्रीन या फिर डिस्प्ले स्टार्ट करनी है उसकी। तो नॉर्मली आप बिना ब्रेक के गाड़ी का इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच करेंगे स्टार्ट। नॉर्मली अगर आपको डिस्प्ले चलानी है या नॉर्मली इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह चेक करनी है, चेंज करनी है, आपको सिंपली इस इंजन स्टार्ट स्टॉप पर टैप करना है, इसको दबाना है, तो आइडली आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं होगा, बट आइडल आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इट मींस कि आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल वगैरह चेक कर सकते हैं, कोई भी इसमें फंक्शन फीचर्स हैं वो चेक कर सकते हैं अगर आप इस बटन को दबाते हैं। बट ब्रेक के साथ अगर जैसे आप इस बटन को दबाएंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट होता है, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है किसी भी आप किसी भी पार्किंग में आपकी गाड़ी अगर खड़ी हुई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको आइडल स्टार्ट नहीं करनी अपनी गाड़ी। रीजन होता क्या कि गाड़ी के साथ जो फीचर्स हैं वो तमाम सारे फीचर्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप नॉर्मल आइडल स्टार्ट कर देंगे गाड़ी को, तो डिस्प्ले भी काफी बड़ा इसमें दिया हुआ है 10.4 इंचेस का। अगर आप आइडल स्टार्ट करेंगे तो ये भी पावर कंज्यूम कर रहा है, ये पावर कंज्यूम कर रहा है, सनरूफ वगैरह सब फीचर्स काम करेंगे इसके, तो होगा क्या कि एंड ऑफ द डे आपकी गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो जाएगी। अगर आप किसी फैमिली या कहीं किसी को गाड़ी दिखा रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, तो होगा क्या एंड ऑफ द डे आपकी गाड़ी बैटरी डाउन हो जाएगी, फिर आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, फिर आपको कंपनी में कॉल करना पड़ेगा। कंपनी में कॉल करेंगे तो फिर उनको टाइम लगेगा आने के लिए आपको। तो होता क्या है एंड ऑफ द डे आपका जो फीडबैक है कंपनी के लिए या फिर आपका जो एक इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस था वो डाउन हो जाएगा, लगेगा यार गाड़ी में प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब है। तो जितने भी फीडबैक रिव्यूज हैं वो रिलेटेड टू यही होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा खड़ी गाड़ी पर कभी भी आप अपने गाड़ी का जो इग्निशन है वो ऑन ना करें,
पावर आपको अगर ऑन देनी है पूरे सिस्टम को, तो फिर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करें, आइडल स्टार्ट ना करके कोई फीचर्स देंगे। बात कर लेते हैं 10.4 इंचेस की। सो दिस इज द वेरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डिस्प्ले जो सिर्फ और सिर्फ हेक्टर के अंदर आता है, हेक्टर प्लस में आता है। मतलब एमजी ही सिर्फ आपको ये फीचर्स देती है और कोई कंपनी ये फीचर्स नहीं देती है। 10.4 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको ये, दिस इज कंप्लीटली लोडेड, मतलब आपकी गाड़ी के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो 24/7 365 दिन आपकी गाड़ी कनेक्टेड है विद योर डेटा कनेक्टिविटी। मतलब योर मतलब इट मीन्स के एक ऑप्शन इसमें दे दिया गया है कि आप अपनी गाड़ी को अपने वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू भी आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं, मतलब आप अपनी गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हैं फोन के थ्रू। सिंपल, सारे के सारे वाईफाई इसमें आ चुके हैं, वाईफाई की इसमें सारी की सारी लिस्ट आ चुकी है, आप चला सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें एक ये भी फीचर है। अब इसके अंदर फीचर्स तो बहुत सारे हैं, फीचर्स बहुत तमाम फीचर्स हैं इसके अंदर। आप इसके अंदर क्या क्या चला सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, वो आपको एक छोटी सी ब्रीफ दे देता हूँ। इसका एक डिटेल रिव्यू भी मैं बाद में शो करूंगा, जिसमें कि फोन एक्टिविटीज हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, इसके बाद आपका आई कॉल फैसिलिटी, गाना एप्लीकेशन, फाइल्स एंड फाइल्स इट मीन्स कि आप इसमें वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। मतलब आप टैप करते हैं फाइल पर यूएसबी के थ्रू, या इसमें जो इंटरनल स्टोरेज दी हुई है मेमोरी, आप उसके थ्रू इसमें कोई भी गाना प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं चला नहीं सकता हूँ, कॉपीराइट इशू आ जाएगा। तो इसके बाद आप टैप करेंगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, कौन से टायर में कितना प्रेशर है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रही थी आपको, वही इन्फॉर्मेशन बड़े ग्राफिक में आपको यहाँ मिल जाएगी। तो देखिए क्या है कि एक फीचर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, आईकॉल फैसिलिटी। जैसे आप इस आइकन को टैप करते हैं, सपोज मैं टैप कर लेता हूं, सो ये जो मैसेज है, ये मैसेज ड्रॉप हो जाएगा एमजी की तरफ, और एमजी इसी हेड यूनिट पर विद इन 30-90 सेकंड कॉल करेगा। आप चाहे किसी भी कंडीशन, किसी भी रोड पर हो, एमजी आपको इसी, जो एमजी की एक हेल्पलाइन सेंटर होती है पल्सर जिसको बोल रहे हैं वो लोग, इसी हेड यूनिट पर कॉल करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपकी गाड़ी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। रोड साइड असिस्टेंस के थ्रू आपको तमाम फैसिलिटी फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि एक जैसी कार आपको दी जाती है अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन ज्यादा खराब है। देखिए इसमें कोई भी सिम नहीं लगा हुआ है, कोई भी एडिशनल डिवाइस नहीं कनेक्ट हुई है, एमजी खुद ही इस हेड यूनिट पर कॉल कर रहा है, और यहाँ पे जो स्पीड 2G के नेटवर्क पे आ रही है, और अगर आप कॉल रिसीव भी नहीं करेंगे ऑटोमेटिक ये कॉल रिसीव हो जाएगी। एक छोटी सी डेमो ले लेता हूँ कि ये क्या क्या फैसिलिटी फीचर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू? हेलो, या थैंक्स। एक्चुअली दिस इज अ डेमो कॉल फॉर यू, सो आई जस्ट वांट टू नो के एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमजी इंटरनल फीचर, वेदर दैट इज इंटरनल फीचर ऑफ पीओआई, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, वी कैन ऑल्सो सेंड पीओआई टू द कस्टमर फॉर द नियरेस्ट लैंडमार्क रेस्टोरेंट, MG service station, and all the service station, they can press the iCall button. Also, we do initiate RSA services, that is roadside assistance, if in case vehicle gets in breakdown. And apart from this, eCall will be generated, that will be generated automatically in case of airbag deployment. So these are the facilities that are available with the informative call. They can press the button anytime. We are available 24/7 to the customer. Thank you so much for connecting with MC. Have a great day ahead. सो ये एक डेमो कॉल था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि एमजी अपने कस्टमर्स के लिए कितना सीरियस है। ये एक डेमो कॉल था आपके लिए, तो मतलब ये कहने का मतलब ये था कि इसमें ऐसी फैसिलिटी फीचर्स भी दिए हुए हैं कि आप किसी भी रोड, किसी भी प्रॉब्लम में हैं गाड़ी के साथ, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हैपन होता है, एयरबैग डिप्लॉयड होते हैं, या आप कोई फीचर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आई कॉल का इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसके थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं। बट ई कॉल का भी इसमें एक फैसिलिटी फीचर दिया हुआ है। सपोज एक किसी भगवान नगर के दिन किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, एयरबैग डिप्लॉयड होते हैं, ऑटोमेटिक ई कॉल जनरेट हो जाएगा, कस्टमर के नंबर पे कॉल आएगा, इस हेड यूनिट पर कॉल आएगा, जो लोकेशन दी गई है उस लोकेशन पर थ्रू RSA, पुलिस हेल्प, मेडिकल, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो ये सारे फीचर्स एमजी प्रोवाइड कराता है, मतलब बहुत कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो चलिए बाकी फीचर्स पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, टैप करते हैं, दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा के। अगर सपोज रिवर्स गियर पे आप शिफ्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है देखने के लिए। अगर आप
पार्किंग में अगर कोई भी खड़े, सपोज मैं, मुझे देखना है खड़े हुए गाड़ी मेरी खड़ी हुई है, मुझे चेक करना है मेरे लेफ्ट राइट में क्या है, तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ. बट अभी जैसे सामने देख पा रहे हैं मिरर अभी बंद है, तो ये दिखा रहा है साइड का कि गाड़ी यहाँ पे ब्लॉक है और यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह है, एंड सामने का व्यू और रिवर्स व्यू दोनों चीज मेरे को मिल रही है. एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे जो दिया हुआ है दिस इज इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, तो मैं इसके थ्रू अपनी गाड़ी सपोज अगर पार्किंग में खड़ी करना चाहता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक पर हैंड ब्रेक होता था. अभी जैसे बहुत सारे व्हीकल हैं में मैनुअल हैंड ब्रेक आता है, बट इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आता है, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है. दूसरा यहाँ पे ऑटो होल्ड, तो इसकी भी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं लोग के ये किस काम आता है. देखिए क्या होता है कि मेरी गाड़ी अगर ऑटोमेटिक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये ड्राइव मोड पे गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर डी है, यहाँ से मैं पार्किंग को रिलीज करता हूँ नॉर्मली जैसे आप मैनुअल भी रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑटो पार्किंग ब्रेक इनेबल्ड, ठीक है, डिसेबल्ड सॉरी. तो यहाँ ड्राइव पे है, जैसे मैं इसमें एक्सेलेटर प्रेस करता हूँ, एक्सेलेटर नहीं मैं ब्रेक ही छोड़ता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी आगे चलनी शुरू कर देगी, ठीक है. बट अब क्या है, अगर मैंने ऑटो होल्ड का स्विच जो है ये टैप किया हुआ है एक बार, ठीक है, और मैं सपोज एक सेकेंड, ठीक है, तो जैसे मैं ब्रेक छोड़ूंगा, तो जैसे मैंने ब्रेक छोड़ा हुआ है और ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, चलेगी नहीं. बट जैसे ही मैं यहाँ से इसको ब्रेक से एक्सेलेटर पर प्रेस करूंगा यहाँ पर, तो गाड़ी मेरी ऑटोमेटिक चलनी शुरू कर देगी. एक सेकेंड, गाड़ी मेरी ऑटोमेटिक चलनी शुरू कर देगी. तो ये फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है. ऑटो होल्ड का ये वर्क होता है इसके अंदर प्रॉपरली, ये इस तरह से काम करता है. दूसरा, इसके अंदर 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, अगर आप यहीं से टैप करके देखना चाहते हैं आगे पीछे कौन है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड होती है. एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर, सपोज इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ सेंसर दिए हुए हैं, अगर आप उसको जो वर्जन साउंड है अगर आप उसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहीं से आप उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ भी कर सकते हैं बेसिकली. यहाँ पे आपको, अब इस गाड़ी के अंदर पहले फीचर्स नहीं आते थे, तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन दिया हुआ है. यहाँ आपने कोई भी सेल फोन है जो वायरलेस सपोर्ट करता है, उसी फोन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप रखते हैं उसको, तो जहाँ पे जो भी आपका फोन सेलफोन आपका वायरलेस सपोर्ट करता है चार्जिंग को, जैसे आप रखते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग शुरू हो जाती है. तो वायरलेस चार्जर का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा फीचर इसमें दिया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पे एक छोटा सा ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है, आप इसके अंदर कोई भी सामान रख सकते हैं, वाटर बॉटल रख सकते हैं, छोटी सी बोतल ही आएंगी तो आप उसमें रख सकते हैं, वो चिल्ड तो नहीं है बट कूल रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हुए थे अभी तक, जो कि काफी ज्यादा एक डेमोन्स्ट्रेशन में यूज होते हैं. दूसरा एक लास्ट फीचर रह गया है, फीचर भी नहीं है बहुत यूजफुल, अगर आपको बोनेट ओपन करना है तो क्या कैसे कहाँ करेंगे, तो आपको देखना है जस्ट थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, ये बटन है, सिर्फ अगर उसको खींचते हैं अपनी तरफ के लिए पुल करते हैं तो इससे आगे का जो बोनेट है वो ओपन हो जाता है, और अगर मैं इसको पुल करता हूँ अपनी तरफ के लिए तो जो फ्यूल लेड है ये अपना ओपन कर लेता है. तो ये सारे फीचर्स थे अबाउट MG हेक्टर और हेक्टर प्लस, जो भी टॉप वेरियंट है, ठीक है, और ये सारे फीचर्स में दिए हुए थे. और बाकी अगर कुछ भी रह जाता है तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, दूसरी वीडियो में वो आपको पूरा डेमो आपको दूंगा मैं पूरी तरह से, जो जो इसमें रह जाएगा. बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मोटिवेशन मिले, ताकि दूसरी वीडियो में अपलोड करूं टाइम टू टाइम. थैंक यू सो मच.